अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सहर और आप देख रहे हैं कश्मीरी फूड। आज मैं आपको चिकन कचौरी बनाने की रेसिपी बताऊंगी, तो मेरी वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा और इसके सारे स्टेप्स देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलें अब अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कचौरियाँ बनाने के लिए सबसे पहले मैं डो तैयार कर लूँगी। डो तैयार करने के लिए मैंने लिया है 2 कप मैदा, 3 टेबल स्पून घी के लिए हैं, इसको थोड़ा मेल्ट कर लिया है, और 1/2 टीस्पून अजवाइन और 1 टीस्पून नमक, पानी हंसपे ज़रूरत जाएगा। सबसे पहले मैं मैदे में अजवाइन और ये नमक डाल दूँगी, इसको मिक्स कर लूँगी। फिर मैंने जो ये घी लिया है वो डाल दूँगी, इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। घी और अजवाइन नमक इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंद लूँगी, और ये एक मैंने हार्ड सा डो गूंदना है, रोटी जैसा नहीं होगा, जैसे हम रोटियों के लिए डो बनाते हैं वैसा नहीं होना चाहिए, उससे थोड़ा हार्ड होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसको गूंद लूँगी। डो हमारा रेडी है और अब इसको मैं ढक के 15 से 20 मिनट के लिए रख दूँगी ताकि ये सेट हो जाए। अब हम इसकी फिलिंग तैयार करते हैं। कचौरियों के लिए जो मैं फिलिंग बनाऊंगी उसके लिए मैंने लिए थे 4 से 5 चिकन के पीसेस, जिनको मैंने बॉईल करके इस तरह से श्रेडेड कर लिया है। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 कैप्सिकम ली थी जिसको मैंने कटिंग कर ली है, बारीक कटिंग कर ली है, 1 गाजर ली थी जिसको मैंने इस तरीके से ग्रेट कर लिया है, और इस तरीके से ये कैबेज ली थी, इसको भी मैंने छोटा छोटा करके काट लिया है। 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून सिरका, 1 टेबल स्पून रेड चिली सॉस, और ये जाएगा मायोनीज जाएगा एंड में 2 टेबल स्पून। जब हमारी फिलिंग तैयार हो जाएगी ठंडा करके फिर हम डालेंगे, इसमें ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो कोई इशू नहीं है। स्पाइसेस में जाएंगे 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर और पिंच ऑफ टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी। 3 टेबल स्पून ऑयल जाएगा जो कि मैं कढ़ाई में डाल दूँगी, और इसके अंदर मैं सबसे पहले डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको लाइट सा फ्राई करूँगी। लहसुन अदरक हमारा सोते हो चुका है, और अब इसमें मैं चिकन के पीसेस डाल दूंगी। साथ ही अब इसमें मैं ये जो सॉसेजेस हैं ये डाल दूंगी। जितने भी स्पाइसेस हमने डालने हैं वो डाल दूंगी। पहले मैं सॉस और स्पाइसेस में चिकन को अच्छे से कुक कर लूंगी, फिर मैं इसमें 1/2 कप के करीब पानी डाल दूंगी और इसको ढक दूंगी ताकि ये अच्छा सा कुक हो। सॉस और स्पाइसेस अच्छे से ये देखें कुक हो गए हैं। अब मैं इसमें 1/2 कप पानी डालूंगी। और इसको स्लो हीट पे लिड से ढक दूंगी ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। चिकन ताकि और फाइन हो जाए।
5 से 6 मिनट के बाद मैं ये लिड उठाऊंगी। 5 इसमें से ड्राई हो चुका है और अब इसमें मैं ये वेजिटेबल्स डाल दूंगी। वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करूँगी, जस्ट मिक्स करना है मुझे। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मिक्स करके बस मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूँगी और फिर मैं इसको एक बॉल में निकाल लूँगी। वेजिटेबल्स अच्छे से मिक्स हो गई हैं और अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी। फिर मैं इसको एक बॉल में निकाल दूंगी, जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें मायोनीज मिक्स कर दूंगी। थ्री टेबल स्पून मैंने घी लिया है और 3 टेबल स्पून ही मैं इसमें मैदा डालूंगी और एक बैटर सा तैयार कर लूंगी जो हम डो को बेलेंगे उसके ऊपर लगाना है। हमने एक थिक सा बैटर हम तैयार कर लेंगे। डो हमारा सेट हुआ है, 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको बाउल से निकालूंगी। इस तरह अगेन मैं थोड़ा सा इसको गूंद लूंगी। गोल शेप दूंगी। अब सरफेस में मैदा डस्ट करूंगी और इसको लंबा सा बेल लूंगी। जितना लंबा हम बेलेंगे उतनी ही हमारी अच्छी कचौरियां बनेंगी, उसकी लेयर्स आएंगी उनमें। पहले हाथ से सीधा करूंगी। अब मैं इसको रोलिंग पिन से बेलूंगी। पतला और लंबा बेलना है हमने। जी व्यूवर्स, इसको मैंने बेल लिया है लंबा सा और ये पहले मैंने यहाँ से इसको पतला किया है क्योंकि पहले मैंने यहाँ से इसकी रोलिंग स्टार्ट करनी है। अब मैं इस तरफ ये बैटर लगाऊंगी जो मैंने मैदे का और घी का बनाया है। हाथ की मदद से लगा लेंगे, ज़्यादा अच्छे तरीके से लगेगा। हाफ पे लगाया है मैंने। अब मैं यहां से इसको उठाऊंगी और रोल करूंगी। जहां तक हमने बैटर लगाया वहां तक रोल कर लिया मैंने। अब मैं अगेन इस जगह, अब मैं यहाँ से इसको बेलूंगी। जितना ज़्यादा ये लंबा होके पतला लंबा होके बेलते जाएंगे हम और ऊपर ये बैटर लगाते जाएंगे उतनी ही लेयर्स बनेंगी हमारी कचौरियों में। अब मैं इस साइड पे
अगेन रोल। देन फाइनल स्टेप भी मैं इसी तरीके से करूँगी। डस्ट किया मैदे का, यहाँ से रोलिंग पिन से बेला। इस तरीके से अब हम इसको रोल करेंगे तो ये इसकी एंडिंग हो जाएगी। अब मैं इसको थोड़ा सा लंबा कर लूँगी। मैं इनके पीसेस कट कर लूँगी जितने पेड़े मैंने बनाने हैं जिस साइज़ के। मैं 4 फिंगर्स के डिफरेंस से बना रही हूँ। मैं इसको इस तरह से सीधा करूँगी। रोलिंग पिन की मदद से सीधा कर लेंगे। और मैं अब इसको ऐसे एक एक कॉर्नर को बंद करती जाऊंगी और एक पेड़ा सा बना लूंगी। इसी तरीके से हमने सारे पेड़े बना लेना है। इस मटेरियल में को ठंडा करके मैंने 2 टेबलस्पून मायोनीज डाल दिया था इसमें और इसको मिक्स कर लिया अच्छे तरीके से। और अब मैं सरफेस पे थोड़ा सा घी लगाऊंगी और थोड़ा सा हाथ पे लगाऊंगी और अब इस पेड़े को हाथ से मैं सीधा कर लूँगी। रोलिंग पिन मैं यूज़ नहीं करूँगी। मैं इसको हाथ पे उठाऊंगी और हाथ पे उठाने के बाद मैं सेंटर में ये मटेरियल डालूंगी। इस कोने से ऐसे रखूंगी, ऐसे इस तरीके से फोल्ड करने के बाद ये चीज ऐसे सेंटर में आएगी। एक पेड़ा सा हमने बना दिया, पेड़े की शेप दे दी है। जहाँ से ख़राब होगा आपने वापस सेट कर लेना है। और जब मैं इसको फ्राई करने लगूँगी तो मैं अगेन इसको प्रेस करके मैं फिर इसको ऑयल में डालूँगी। इस तरीके से हमने अपने सारे पेड़े बना लेने हैं। सारी कचौरियाँ मैंने उसी तरीके से तैयार कर ली थी। और अब मैंने एक कढ़ाई में ऑयल गर्म कर लिया है और ये इतना गर्म है कि मैंने एक छोटा सा पीस डाला है तो ये इसमें जस्ट बबल्स बन रहे हैं। बहुत गर्म नहीं है, बिल्कुल हल्का सा गर्म है, ये नीम गर्म से थोड़ा ज़्यादा ऑयल गर्म है।
और इसका बिल्कुल स्लो फ्लेम है, स्लो फ्लेम पे हम पकाएंगे, क्योंकि अगर हमने तेज़ फ्लेम पे पकाई कचौरी तो वो अंदर से कच्ची रह जाती है और ऊपर से पक जाती है। इस तरीके से हम पेड़ा उठाएंगे और हल्का सा प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद हम इसको ऑयल में डाल देंगे। जितनी कचौरियाँ इजीली कढ़ाई में आ जाएं उतनी डालनी है हमने, ये खुद सरफेस पे आ जाएंगी थोड़ी देर तक। जी व्यूवर्स, ये मैंने बिल्कुल स्लो हीट पे फ्राई कर ली हैं और अब मैं इनको निकाल दूंगी। ये दोनों तरफ से बहुत अच्छे से ब्राउन हो गई हैं। और अब मैं इसी तरीके से दूसरी वाली डाल दूंगी, अगेन वही प्रोसेस, प्रेस करूंगी और डालती जाऊंगी। जितना आप इसको बड़ा करना चाहते हैं आप कर सकते हैं इस पॉइंट पे। फ्लेम स्लो होना चाहिए, 10 से 15 मिनट समझे उनको लगे हैं पकने में, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। सारी कचौरियों को फ्राई करके मैंने इस डिश में निकाल लिया था और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कितनी खस्ता बनी है और इसके ऊपर ये देखें ये कितनी अच्छी सी लेयरिंग आई है। और अब मैं ये देखें ये कितनी खस्ता बनी है और अब मैं आपको तोड़ के बताऊँगी। बहुत ही ज़बरदस्त लेयरिंग बनी है और बहुत ही खस्ता बनी है हमारी कचौरियाँ। हमारी मज़ेदार सी चिकन कचौरियाँ तैयार हैं। उम्मीद है आपको इसकी रेसिपी अच्छी लगी होगी। मज़ीद रेसिपीज़ के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।